आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। जनपद पौड़ी जिले में लोकसभा प्रभारी एवं प्रताप नगर विधायक विक्रम सिंह नेगी के साथ ही महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने शहर के जिला पंचायत सभागार में कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी एवं पूर्व लोकसभा प्रत्याशियों के साथ चर्चा की है और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मौजूदा कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी करते हुए कांग्रेस की रीति और नीति से आमजन को अवगत कराने और वर्तमान भाजपा सरकार की नाकामियों को समझने का आह्वान किया है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और हमारे जो कोऑर्डिनेटर जो विधायक हैं प्रताप नगर टीवी से, वो यहाँ के कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए थे एसएससी से। तो उनका जो कार्यक्रम था ये कांग्रेस पार्टी के तहत यहाँ पे आए थे। ये पूरे पौड़ी गढ़वाल लोकसभा का दौरा कर रहे हैं और उसमें क्या तैयारियाँ करनी चाहिए, संगठन को कैसे सशक्त किया जाए, संगठन से क्या बोला जाए, ये पूरा जरा विचार विमर्श यहाँ पे है। तो ये इनका दौरा चल रहा है, टूर चल रहा है और कल देवप्रयाग में थे, आज पौड़ी में है, कल कोटद्वार जाएंगे। आज लोकसभा की तैयारी को लेकर जो प्रताप नगर से विधायक हैं विक्रम सिंह नेगी जी को, उनको पौड़ी लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है और वो आज मीटिंग दे रही कार्यकर्ताओं को, आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए हम लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या क्या हमारे आगे के कार्यक्रम होंगे और जो हमारे बूथ लेवल की तैयारियाँ उनका है, वो आज जिला अध्यक्ष से जायज़ा लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और हम पूरे संगठन के लोग उनके साथ यहाँ पर हैं। देखिए, पौड़ी लोकसभा में प्रत्येक जो हमारे संगठन के जनपद हैं उनमें बैठक की जा रही है और कल हमने देवप्रयाग जनपद में बैठक की, आज पौड़ी जनपद में की, कल हम कोटद्वार में करेंगे। इसमें जो कोऑर्डिनेटर का काम है, संगठन में यदि कहीं गैप है तो उसको पूरा करना है, समन्वय का काम करना है और जो विशेष जोर है वो ये है कि हमारे जो बूथ के अध्यक्ष हैं और जो बूथ के एजेंट हैं अगर कहीं नहीं बने तो उनको बनाने का काम करना है और ज़्यादातर जगह में 99% जगहों में हमारे बूथ अध्यक्ष और बूथ एजेंट बने हुए हैं। जो मंडलम है उनकी कार्यकारिणी, जो ब्लॉक है उनकी कार्यकारिणी और जिले की कार्यकारिणी भी करीब करीब बनी हुई है।